नजर आपके साथ हूं, मैं हूं क्रांति सिंह। इंदौर में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को उनकी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बम से उड़ाने की धमकी ने देश भर में कांग्रेस नेताओं को चिंतित कर दिया है। बता दें कि राहुल गांधी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में बम विस्फोट का शिकार बनाया गया था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए प्रदेश नेताओं ने प्रशासन से बात की है। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा 24 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी और यहाँ पर देखिए देखा यही जा रहा है कि यहाँ पर जिस तरीके से उनको जो है यहाँ पर उड़ाने की साजिश रची जा रही है, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो गया है कि यहाँ पर जो है उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है। लेकिन अगर मैं इसी की बात करूँ तो देखिए इंदिरा गांधी का समय जो है वो सभी के सामने है, जब इंदिरा गांधी ने इस तरीके के मामलों से जो है अपनी दूरियां बनाई थी और इसी तरीके की यात्रा करके राहुल गांधी से पहले उन्होंने जो है यहाँ पर अपनी सत्ता काबिज की थी, क्योंकि उस समय भी देखा गया था कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल पिछड़ गई थी, कांग्रेस का राजनीतिक करियर जो है वो दाव पर लगा था और वो बिल्कुल ही हटती जा रही थी सत्ता से। उस दौरान जो इसी तरीके की यात्रा शुरू कर इंदिरा गांधी ने जो खेला किया था वही खेला करने की कोशिश आज राहुल गांधी भी कर रहे हैं। बहरहाल देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उनकी ये यात्रा, उनकी जो ये प्लानिंग प्लॉटिंग है, क्या ये कारगर साबित होगी या नहीं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, लेकिन कमेंट सेशन में आप जरूर बताइएगा कि यहाँ पर जो है भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी जो तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद राहुल गांधी को लेकर को जो बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं उस पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, क्या वो आपको पसंद आ रहा है तो आप कमेंट सेशन का इस्तेमाल करें और उसमें हमें जरूर बताएं कि आपको भारत जोड़ो यात्रा के बारे में और क्या कुछ जानना है। हम उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे और उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम आपके सामने जो है एक स्पष्टीकरण भी अच्छे से देते हुए नजर आएंगे। बहरहाल लाइव सेशन में हम दोबारा मिलते हैं आपके साथ, फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Yeah.